ज्ञान की नगरी चैनल में स्वागत है सब दोस्तों का। आओ दोस्तों, जो साडा लड़ीवार प्रोग्राम किस्सा गोगा जहर पीर चल रहा है उसका भाग 29 लैके हाजिर हाँ अपनी खिदमत दे। भाग 28 दे विच असीं की सुनिया कि जदों गुग्गर ज़्यादा मुगलों के कोलों कैली गाँव में लैके पणतों नूं वापस कर देंदे ने, तो उस तो बाद जिहड़े पणत ने खुश हो जाते हैं, ठीक है भी साडी ये जिहड़ी कैली गाँव है जरूरी सी साडे लई, उस उस सानूं वापस की है। तो लगे पहरे दे विचों जदों कढ के लिआंदी गां ते पणत होए खुश, ते उस तो बाद जिहड़ा अगला गल जिहड़ी चलदी सी कि युद्ध हो रहा सी शुरू, गुग्गर ज़्यादा पीर ते अर्जन ते सुरजन 12,000 मुगल फौजां दे विच। हुण कैली गाँव जदों वापस लै के आंदा ते उस तो बाद जिहड़ा युद्ध हुण शुरू किवें होया उहदे बारे अज दे इस पैगाम दे विच आप जी दे नाल गल सांझी करांगा। तो आओ अज दा पैगाम शुरू करिए। कहिंदे ने कि गुग्गा जहर पीर 12,000 मुगल फौजां उहनां दे नाल लड़ना शुरू कीता। लड़दे लड़दे उहनां ने बहुत जिहड़े उहदे नाल योधे आए हुए सी, चिट्ठी विच लिखिया सी गुग्गे राजे ने जदों रोका लिख के दित्ता सी जोड़िआं नूं कि अपने नाल जिहड़े अपने नानकिआं नूं लै के आउणा। हुण गुग्गे राजे दे लैची बेग वर्गे वर्ग ते शाह पठाड़ वर्गे ते राय पठौरे वर्गे जिहड़े योधे सी उहनां दे नाल भी युद्ध होया। ते इस तरह जदों युद्ध होना शुरू होया, युद्ध दे विच गुग्गे राजे ने बड़े अपने जौहर दिखाए ते उहनां दे नाल उहनां दा जिहड़ा नीला घोड़ा उसने बड़े जौहर दिखाए ते बड़िआं दे उप्पर वार कीते। हुण इस तरह जदों युद्ध चल रहा है, गुग्गर ज़्यादा अपनी ताकत दे नाल लड़ रहा है, लड़दिआं लड़दिआं बहुत सारे जिहड़े पठान सी जिहड़े मुगल सी बहुत सारे मुगल जिहड़े उत्थों नट गए, काफ़ी सारे जिहड़े सीगे उह जख्मी हो गए ते काफ़ी जिहड़े सी उहनां विच्चों मर गए। जदों ये सारा कुछ होया ते आखिर जोड़े दोनों कल्ले रह गए, अर्जन ते सुरजन दो ही पीर कल्ले रह गए, पर है वह भी योधे सी बड़े योधे सी। हुण अर्जन ते सुरजन दो ही जने गुग्गे राजे दे नाल सामना होया, आपस विच बड़ा जोर दे नाल लड़े, लड़दिआं लड़दिआं आखिर सिट्टा की निकलिया कि गुग्गे राजे ने दोनों दे सिर कलम कर दिते ते गुग्गे राजे दी जिहड़ी जित होई। हुण गुग्गे राजे ने देखिआ भी दोनों अर्जन ते सुरजन दोनों दे सिर कलम जदों होए ते गुग्गा पीर निराश हो गया, कहिंदा कि माड़ा होया चंगा नहीं होया, मेरा मन नहीं सी करदा इह करन नूं, पर फिर भी जो होया माड़ा होया क्योंकि है ते मेरे भरा ही सी, है ते मेरे मासी दे पोते ही सी, चलो जो हो गया कोई गल नहीं। गुग्गे राजे ने उन्हां दोनों दे मुंदड़े लाए ते उस तो बाद दोनों दे खंडे चके ते दोनों दे सिर चक के परने दे लड़दे नाल बन्ने, एक पासे एक बन्निया दूजे पासे दूजा बन्निया ते घोड़े दे उपर रख के गुग्गा राजा अपने महलां दे वल नूं चल पिया। हुण जदों महलां दे वल नूं गुग्गा राजा चलदा ते प्यास बड़ी लगी हुई है, प्यास बड़ी लगी हुई है ते पानी किते मिलदा नहीं, घर जा के महलां दे दरबार दे अगे जा के दरवाजे अगे जा के आवाज़ मारदा अपनी माँ बाशल नूं कि माँ दरवाज़ा खोल दिओ, मैं जंग जित के आ गया, मैनूं प्यास बड़ी लगी हुई है, जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोलो ते मैनूं पानी पिलाओ। हुण माँ बाशल कहण लगी कि गुग्गे तू दौड़ के आ गया, तू कैरता दिखाली है, तू जंग जित के नहीं आया, 12,000 मुगल फौजां ते जोड़े पीर उहदे नानके तू उहनां तों भज के आ गया, डर दे मारे भज के आ गया, तू जंग नहीं जीती, इन्ने पठाणा दे विच्चों इन्ने मुगलां दे विच्चों बच के आउणा इह कोई आम गल है नहीं, नहीं तू कैरता दिखालदा होया उत्थों नट के आ गया आ, तेनूं कोई प्यास प्यूस नहीं लगी, बयान ना करदा है तू अंदर बड़न दा डर दे मारे। ते गुग्गर राजा कहण लगा कि नहीं माँ, मैं वाकया ही जंग जिहड़ी है वह जित लई है, जंग विच मेरी जित हुई है, तू मैनू दरवाज़ा खोल के अंदर लगा दे पानी पिला। फिर बाशल बीबी कहण लगी
कि जे वाकया ही तू जंग जीती है तेरे कोल कोई निशानी होवेगी जोड़ियां दी। कहिंदा कि हाँ मेरे हथों दोने जोड़े पीर जिहड़े दोने जोड़े भरा अर्जन ते सुरजन उन्हां दा कतल हो गया। कहिण लगी कि अर्जन सुरजन दा कतल हो गया। अर्जन ते सुरजन इन्ने योधे तकड़े तेरे तो वड्डे ते इन्ना उन्हां नूं लड़न दा ढंग सी फिर उह ते तू कितां कतल हो सकदे तू झूठ मारदा कोई निशानी है तेरे कोल। कहिंदे कि गुग्गर जादे ने दोने मुदड़े कढ के जदों अपने जेब दे विच्चों ते अपने घर दे अंदर सिटे ओ माता देख के कहन लगी नहीं बई गुगे ये जेड़े दोने मुदड़े आ ये तां कोई भी सुनियारे को बना के उत्ते गुगे उत्ते अर्जन ते सुरजन दा नाम लिख लिखा सकदा तू इदे किते बना लै ये तू जंग नहीं जीती कोई होर निशानी है तां दस। ते गुगे पीर ने फिर अर्जन ते सुरजन दे जिहड़े खंडे सी उहनां दे नां लिखिया सी ओह अंदर सिटे कहिंदे कि आ खंडे देख ला। फिर मां बाशर कहिंदी आ कि नहीं बई ये जिहड़े खंडे आ ये भी किसे लोहार दे कोलों कोई भी बना सकता इहदे विच कोई वड्डी गल नहीं ये तूं उदां ही बस अपनियां गल्लां करी जांदा ये कोई पक्की निशानी नहीं है ये तू खंडे के तो बना के उत्ते नाम लिखा लिया अर्जन ते सुरजन दा ये तू अंदर सट दित्ते आ इहदे विच तेरी कोई वड्याई नहीं तू जंग जीती कोई नहीं तू भज के आ गया उत्थों जंग दे विचों 12,000 मुगल पठाणा दे कोलों भज के अपनी जान बचाउंदा तू आ गया। कहिण लगा कि नहीं जे तुसीं नहीं मानदे ते मेरे को एक पक्की निशानी भी है। ते मां बाशर कहिण लगी किहड़ी ते तों पक्की निशानी है दस मैनूं। कहिण लगा कि दो थाल मैनू दिओ विच रुमाल रख के दो थाल मैनू दरबारां दे थल्ले दी बाहर कढ दिओ गेट दे थल्ले दी बाहर कढ दिओ मैं वह दोनों निशानियां तुहानू दिंदा। जदों कहिंदे कि दो थाल थल्ले दी उन्होंने विच रुमाल रख के भेजे ते गुग्गर जादे ने अपने घोड़े दे उपरों अर्जन ते सुरजन दा जिहड़ा सिर कट के बन्निया सी परने दे विच उह चक्किया खोल के थालां दे विच सिर रख के ते गुग्गर जादे ने वो दोने सिर जदों गे दरवाजे दे थल्ले दी दर दे थल्ले दी अंदर भेजे जदों माई बाशल दोने सिर देखती है देख के रोंदी है ताहां मारदी है पिटदी है कहिंदी है कि तू चंगा नहीं कीता तेरे भरा सी तेरी मासी दे पुत सी ये दोनों नूं मार के ते चंगा नहीं कीता अज तो बाद जिहड़ा तेरा इस घर दे विच आउणा खाणा पीणा हराम आ क्योंकि ये जिहड़ी गल तू बड़ी माड़ी कीती लड़ पैंदे लख लड़ पैंदे पर उन्हां नूं मारना इन्ना सौखा नहीं सी क्योंकि तेनू नहीं पता वह कौन सी तेरे वड्डे भरा तेरी मासी दे दोने पुत उन्हां नूं मैं ही पालिया मैं ही सांभिया मैं ही पढ़ाया तेरे तो वध प्यार कीता पर तू अज चंगा नहीं कीता इस घर का खाणा पीणा तेरे लिए हराम आ जा किते चला जा तेनू कोई धरती वेल नहीं दिंदी तू ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਦ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਗੁਗਰ ਜਾਦੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਿਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਾਸ਼ਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣੀ ਹਰਾਮ ਹੈ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਓਹਲੇ ਹੋ ਜਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਪਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਟੰਗੇ ਟੰਗ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਗੁੱਗੇ ਰਜਾਦੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਿਲੀਅਰ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਿਲੀਅਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਗੁੱਗੇ ਲੈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਛੰਨਾ ਪੀ ਲਾ ਤੂੰ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਗੁੱਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਰਾਮ ਹੈ ਬੀਬੀ ਬਾਸ਼ਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਸਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁੱਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁੱਥੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਧੜ ਜਿਹੜੇ ਪਛਾਣ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਉਹ ਗੁੱਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਹੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੱਚ ਮੁਰਸ਼ਦ।